मॉर्निंग में आपकी योगा चरणा में था। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपनी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। स्पाइन ही क्यों बता रही हूँ, क्योंकि स्पाइन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे बैकबोन जो है, जो हमारी बैकबोन है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। जो भी हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाते हैं थ्रू हमारे नर्वस सिस्टम जो हमारा है, वो इस स्पाइन के थ्रू ही कनेक्ट है हमारी बॉडी में। याद रखिए, ब्रेन हमारी बॉडी में जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो इस स्पाइन के थ्रू ही सारे मैसेज आते हैं। और जो हमारी बॉडी, जिस तरह से अगर हमने तवे पे हाथ रखा एकदम से गर्म लगता है, तो हमारा ब्रेन तक जो मैसेज गया वो स्पाइन के थ्रू ही सारी नर्व्स उसी जगह से आके जा रही हैं। इसलिए इसका जो फिजियोलॉजी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्पाइन, अगर हमारे शरीर में किसी तरह का पेन है कोई भी, उसका रीज़न होता है, सारे पॉइंट्स हमारे स्पाइन के थ्रू ही माइंड तक जाते हैं। और इस स्पाइन स्पेशल जो भी फ्लेक्सिबिलिटी है, आज मैं उसके बारे में बताऊंगी किस तरीके से आप इस स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी अलॉन्ग विथ उसकी वर्किंग को इम्प्रूव कर पाते हैं, कैसे अपने नर्वस सिस्टम को, जब हमारा स्पाइन का हेल्थ, सर्कुलेटरी सिस्टम को, जब हमारी स्पाइन एकदम स्ट्रेट हम होकर बैठते हैं, किस तरह से सारे मैसेज हमारे बॉडी के, हमारे ब्रेन तक बहुत ईजिली पहुंच जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ आसन, जो भी, ये याद रखिए, जो भी मैं स्पाइन, जैसे कि साइटिका हो गया, ये आपका स्लिप डिस्क हो गया, बैक एक हो गया, सर्वाइकल हो गया, ऐसी नौबत क्यों आए, उसके पहले ही हम ये आसन शुरू करेंगे, जिससे कि हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल हो, हमारे नर्वस सिस्टम की वर्किंग इम्प्रूव होगी, इम्यून इम्प्रूव होगा और हम हेल्दी रह सकेंगे। सबसे पहले आप खड़े हो जाइए। अपने दोनों हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रख लीजिए, बैकवर्ड बेंड लिख लीजिए, फिर इसके बाद इस चीज को आप 5 से 10 बार करिए। आप सर पापसन, पर्वतासन, सर्पासन, पर्वतासन, होल्ड करें, इस तरीके से आप अपने स्पाइन को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। साथ ही साथ आप इसके साथ उष्ट्रासन करें, अगर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, अगर आप हाई बी पी की पेशेंट नहीं है, हार्ट पेशेंट नहीं है, आप सूर्य नमस्कार करिए, उससे भी आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होगी और जो आपको बहुत हेल्दी बनाए। स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले कि साइटिका और स्लिप डिस्क जैसे प्रॉब्लम, बैक एक, सर्वाइकल, ऐसी प्रॉब्लम आपके शरीर में आ जाए और आप फॉरवर्ड बेंडिंग वाले कोई असर ना कर पाए, उसके पहले ही अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार रखें अपनी स्पाइन से। याद रखिए, अगर आपके बॉडी में कोई भी, इवन बीपी, हाई बीपी हो जाए, है आपका हार्ट, तो ये सब जो आपने इनफ्लेक्सिबल बॉडी हो जाती है उसके कारण ही होते हैं। अगर हम ये आसन रोज करते हैं, हमारी स्पाइन जो है फ्लेक्सिबल होती है, हमारे ब्रेन तक हर एक मैसेज बहुत क्लियरली पहुँचता है, तो हम हेल्दी रहते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी जो भी क्वेरीज है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें।